बिल्कुल इसी तरह अपने अतीत की यादों को खिड़की से बाहर फेंकना होगा गुल्लू। जो भी राज ये माँ बेटा छुपा रहे हैं वो इसी चाबी से खुले। कितना भोला बनता है और उसके खिलाफ इतना बड़ा क्रिमिनल रैकेट। मैडम जी, आपके पति के खिलाफ केस दर्ज है, मुकदमा नंबर 753। इनके खिलाफ एक महिला का छेड़छाड़ करने का केस दर्ज हुआ था। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे पति तो पराई स्त्री की तरफ आग उठाकर भी नहीं देखते। यू बेटे, लाइक सीरियसली, मोलेस्टेशन और तुम? भैया, ये क्या किया था आपने? कम से कम हमारी फैमिली की इज्जत के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। एग्जैक्टली, मुझे तो लगा था कि बू और मेरी रक्षा आप करोगे, मगर आप तो एक नंबर के छेड़ू निकले। छी, आई एम बियॉन्ड शॉक्ड। मतलब ग्लू बेटे, क्या हुआ तुम्हारे साथ उस दिन? उस दिन तुम्हें हनुमान चालीसा नहीं पड़ा? ये सच में आपने किया अखिलेश भैया? ग्लू बेटे, लाइक सीरियसली, तुम ऐसा कैसे कर सकते? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने ऐसे कैसे कर दिया अखिलेश भैया? आई मीन सीरियसली, यू बेटे, तुम्हारी बहन है, तुम एक औरत के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? आप हमारे लिए एग्जांपल हो और आप ऐसा कर सकते हो? आपने एक बार भी फैमिली के बारे में नहीं सोचा अखिलेश भैया। आई मीन यू, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने ऐसे कैसे कर दिया अखिलेश भैया? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला कर रखी तुमने। कैसे कर सकते हो क्या तुमने? ये सच में आपने किया अखिलेश भैया? हमारे लिए एग्जांपल हो और आप ऐसा कर सकते हो? आई मीन आई जस्ट डोंट बिलीव यू। आपने फैमिली के बारे में सोचा अखिलेश भैया? आई मीन यू, आई मीन आई जस्ट डोंट बिलीव यू। मिला कर रखी तुमने, कैसे कर दिया अखिलेश भैया? नानी बाब, जरूर इंस्पेक्टर साहब से कोई गलती हुई है। क्या आपको लगता है पांडे जी कभी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं? नो बेटा, नॉट पॉसिबल। आई कांट बिलीव इट कि ग्लू बेटा ऐसी हरकत कर सकता है। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड तो यही कह रहा है ना, और एक बार पुलिस रिकॉर्ड में ये छप गया तो यू नो क्या कहते हैं उसे, एक सर पर ब्लैक स्पॉट आ जाता है। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज एक बार फिर से चेक कर लीजिए। हेलो, यस, व्हाट? ओके सर, थैंक यू। सॉरी मैडम, अभी बनारस पुलिस स्टेशन से फोन था, तो अखिलेश पांडे कोई और है, हमसे गलती हो गई। व्हाट? मैडम, आपकी पासपोर्ट की रिक्वेस्ट हम जल्दी ही अप्रूव कर देंगे और 8 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। धन्यवाद। आप कोई कसर नहीं छोड़ते ना नानी बा, लेकिन मुझे और मेरी मोटी बा को पांडे जी पे पूरा भरोसा है। अमेरिका से फोटो जरूर भेजेंगे। हाँ, कौन हो सकता है जिसकी पहचान पुलिस तक है? मुरली मनोहर, तुमका लंबी उम्र दे चंदो। आज अगर तुमने पुलिस थाने में सब कुछ संभाला नहीं होता तो न जाने यहाँ कहाँ अनर्थ हो जाता। लेकिन एक ठो बात अच्छी तरह से समझ लेना, मुकदमा 753 के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अपनी चाची के लिए इतना करोगे ना, जीते रहो बेटा।
मोरी मोरी गंगा मैया, दुल्हन ने सब सुन लिया? क्या हुआ? कुछ नहीं मोटी बा, वो चाय के लिए बुलाने आई थी। अच्छा, वो चाय? हाँ बेटी, आज हमारे सीने में थोड़ी हरारत हो रही है, आज हम चाय नहीं पिएंगे। ठीक है मोटी बा। मोरी मोरी गंगा मैया, कहीं दूल्हे ने सारी बातें सुन तो नहीं ली? इसका मतलब केस नंबर 753 सच में अखिलेश के खिलाफ दर्ज हुआ था। मुझे पुष्पांडी से छुपकर अखिलेश से बात करनी ही होगी। आई थिंक उसे घर से बाहर ले जाना ही सही होगा। अप्पी, अप्पी, ये क्या हुआ? मैं इतने प्यार से नारियल की बर्फी पांडे जी को देने गई, उन्होंने गुस्से में आके मेरे मुंह पे मार को दिए वो बर्फी। नहीं नहीं, पांडे जी ऐसा नहीं कर सकते। नहीं अप्पी, तुम्हारे पांडे जी नहीं जी, मेरे पटेले किस्मत के पांडे जी। देखो तुम रो मत, मैं बात करती हूँ देवर जी से। हाँ अभी तो मैं पांडे जी के साथ बाहर जा रही हूँ, तो वापस आने के बाद मैं बात करती हूँ। हाँ अप्पी, पक्का बात करना। हाँ हाँ, मैं पक्का बात करूंगी। सोच रही हूँ तुम्हारे लिए ना कोई जैकेट खरीद लेते हैं। अमेरिका में इतनी ठंड में तुम ये पतले से कॉटन के कुर्ते थोड़ी पहनोगे। हमारे कपड़े ही हमारी पहचान है इरा जी, और वहाँ के लोगों को भी लगना चाहिए ना कि कौन उस संस्कारी लड़का भारत से आया है। और ऊ के बाद हम क्या हुआ? अखिलेश, क्या सच में तुम पर कोई 753 का केस लगा हुआ है? क्या सच में बनारस में तुम पर मॉलेस्टेशन का केस लगा है? अखिलेश, मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती कि तुम किसी लड़की के साथ ऐसा कर भी सकते हो। अखिलेश, कह दो कि ये झूठ है। अखिलेश, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है? अखिलेश देखो, जो भी है तुम मुझे बता सकते हो। अखिलेश, हॉस्पिटल से फोन। हेलो, मैडम हम राम विश्वास कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था।
रिपोर्ट मेल कर दो, मैं चेक करके रिवर्ट करती हूँ। तुम ठीक तो हो? हम को देखे ही राजी, वही लाल रंग की साड़ी और वही पायल की छनछन आवाज। हमने उका कछु नहीं बिगाड़ा था। किसको देखा तुमने? नीरजा मैडम, हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। हमका लोगों की आवाज सुनाई देती है, हम लोगों की आवाज हमारे कानों में आती। कौन नीरजा? हाँ, कौन नीरजा? पांडे जी, दुल्हन, जब तुमका पता था गुलू की तबीयत ठीक नहीं तो उनका घर से बाहर काहे ले आई? मोटी बाप, वो मैंने सोचा कि उनका मन थोड़ा बहल जाएगा। ना ही ना सोचा करो इतना, हम सब समझते हैं। हमारी फोन वाली बात तुमने सुन ली, ये बात से बेफजूल के सवाल पूछने के लिए गुलू को तुम यहाँ ले आई हो। ये तो मुरली मनोहर की कृपा है कि हम सही समय पे पहुंच गए, वरना गुलू का अपघात ना हो जाता और उनकी जिम्मेदार तुम होती। अम्मा, मेरा भतीजी ने कछु नहीं किया। तुम चुप रहो और चलो हमारे साथ। जरा आप भी सोचो मोटी बा, अगर आपने मुझे सब कुछ बता दिया होता तो मेरी ये नौबत ही नहीं आती ना कि मैं पांडे जी को यहाँ आकर ये सब सवाल करूं। कौन है ये नीरजा मोटीबा? कौन है ये नीरजा जिसका नाम सुनते ही पांडे जी ऐसे देख जाते हैं? ऐसे हत्यारे को हम इस गांव में नहीं रहने देंगे। हम जानते थे अम्मा, तुम जानती हो हम बाप का चुराई किए थे। हमने वो मैडम का चुराई बिगाड़ा था। हम दोस्त थे। बस तने कछु समय के लिए चुप हो जाओ, सही समय पे तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए चुप हो जाओ। ए गुलू, कछु नहीं हुआ, चलो हमारे साथ। इसके बारे में पुष्पांटी बात तक नहीं करना चाहती। का नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नीरजा है। हम कछु नहीं किए, हम अपनी अम्मा को काबू दिखाएंगे। तुम तो वो अखिलेश सर की स्टूडेंट होने? स्टूडेंट थी, लेकिन सर की माँ जी ने मेरे फीस के पैसे ड्राइवर के हाथों वापस भिजवा दिए। लगता है माँ जी को मेरा नाम ही पसंद नहीं आया। ये नीरजा का राज बनारस में ही पता चलेगा। हाँ इरा, बोल। सुन, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा।
हाँ बोलना। आज तो टोस्ट रेस करना ही पड़ेगा मॉम। यस। क्या दिमाग लड़ाया आपने? मैंने अभी अखिलेश को बीच रास्ते में पागलों की तरह नीरजा नीरजा चलाते हुए देखा है। Give me a glass. आज तो पक्का किसी गाड़ी के नीचे आकर मर गया होता अगर उस सीनियर गवार ने नहीं बचाया होता। Like seriously? Yes mom, I think अखिलेश पागल हो गया है। And what a great idea जो आपने उस लड़की को नीरजा बनाकर भेजा। Wait a minute. मैंने किसी लड़की को कुछ भी बनाकर नहीं भेजा था। What? आपने नहीं भेजा तो किसने भेजा? I don't know. I have no clue. सच में वो लड़की नीरजा वहां आई भी थी या ये ग्लू बेटे के मन का वहम है? लेकिन एक बात क्लियर हो गई कि नीरजा नाम ग्लू बेटे को हाइपर कर देता है और अब यही नाम हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। रियली? बट हाउ मॉम? हम ग्लू बेटे का सामना इस नाम से तब तक कराते रहेंगे जब तक कि वो कंप्लीटली पागल नहीं हो जाता। कहीं रिचा मैडम वापस तो नहीं आ गई? नहीं नहीं, कैसे हो सकता है? ये हमारे मन का भ्रम है। वो वापस नहीं आ सकती। वो लड़की कौन थी? हमने हमने अंदर कहा हो रहा है, कहा चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमका गुल्लू का कुछ समझ में नहीं आ रही। कहा हो रहा है हमारे साथ? कहा हो रहा है? तू पगला गया हो का? कहा है? हाँ, होश में हो कि नहीं? हमने हमने उका देखा है। वही लाल रंग का सूट और वही परांदा। उका नाम सुनते ही हमका कछु होने लग जाता है। इन लोगों की आवाज हमारे कानों में गूंजती है। हम निर्दोष थे। गुल्लू, कहाँ हो गया तुमका? अरे कौन हो नाई है, कौन हो वापस नाई आई है, कौन हो नीरजा नाई है? या ये सब बातें दिमाग से निकाल दो। दवाई लाने को बोले थे ना? हाँ, तारे वो रख दो बेटिया। हाँ। बुलके जी, ईरापति जी कहाँ हैं? वो ईरापति रसोई में है। हम ई बात से कदू की दुल्हन को बोले थे। ए बेटिया तुम जाओ। हाँ? अम्मा, तुम बेफिजूल में ईरा जी से नाराज हो। वो केवल हमारी सहायता कर रही थी। नहीं रे बिटुआ, हम बिल्कुल नाराज नहीं है। वो जब हम तुम दोनों को गले लगते हुए देख रहे थे ना, उनका पूरा विश्वास हो गया कि तुम्हारे जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा दुल्हन है। और हम चाहते हैं कि तुम्हारा यही सहारा जीवन भर तुम्हारे साथ रहे। ये बात से दिल पर पत्थर रख कर हम दुल्हन को डांटे हमको खुद अच्छा नहीं लगा। हम बहुत डरने लग गए हैं बेटो, बहुत डर लग रहा है हमका। तुम्हें अतीत की सच्चाई कहीं तुम दोनों के बीच में दरार ना पैदा कर। उनका गंगा मैया की सौगंध है दुल्हन को ये मुकदमे के बारे में कछु नहीं बताओगे। सौगंध है बेटो। अब बका बकी दवाई पी लो, मन शांत हो जाएगा बेटो। ये सारी बातें दिमाग से निकाल दो। हमका माफ कर दीजिए ईरा जी, हम बेस्ट फ्रेंड होने का कर्तव्य नहीं निभा पाए। पता नहीं पुष्पांटी और अखिलेश क्या बात छुपा रहे हैं मुझसे।
लेकिन इतना तो तय है कि अखिलेश की हालत बहुत खराब है। बहुत स्ट्रेस्ड आउट है बेचारा। उसकी दवाई तो देकर आती हूँ उसे। गुलकी सुनो ना, तुम यहाँ पर खड़ी रहोगी, दो सीटी होने के बाद गैस बंद कर देना। हाँ हाँ, मैं पांडे जी की दवाई देकर आती। पनापी, मैं अब बीच दवाई देको आई। दवाई देकर आई मतलब? वो बड़ी अम्मा ने बोला था मुझे कि जेठ जी को ना दवाई देना हो ना बोल के। पर उनकी दवा तो मेरे पास है, तो तुम क्या देकर आ गई? अप्पी, ऐसे ही बाटल में चिंगुर मारने की दवाई पड़ी ली थी ना यहाँ।